brought to you by Gamesy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस की माने तो मौजूदा आईपीएल के बेस्ट फिनिशर और आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। कार्तिक ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेहतरीन बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उनकी दूसरी जीत दिला दी। आरआर के खिलाफ कार्तिक ने सिर्फ 23 गेंदों पर 44 रन की धमाकेदार पारी खेली। कार्तिक की इस बैटिंग के दम पर आरसीबी ने मैच को अब 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इससे पहले आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीतकर राजस्थान को पहले बैटिंग का न्योता दिया था। राजस्थान के ओपनर जॉस बटलर ने एक और बेहतरीन पारी खेली। बटलर इस मैच में 70 रन बनाकर नाबाद लौटे। पहले देवदत्त पडिक्कल और फिर शिमरॉन हेटमायर ने उनका अच्छा साथ दिया। पडिक्कल ने 37 जबकि हेटमायर ने 40 रन बनाए। आरसीबी के लिए वानिंदो हसरंगा, हर्षल पटेल और डेविड विली ने एक एक विकेट लिया। जवाब में आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की। अनुज रावत और फाफ डुप्लेसी ने 7 ओवर्स में 55 रन जोड़े और इसी स्कोर पर डुप्लेसी 29 रन बनाकर आउट हुए जबकि रावत ने 26 रन की पारी खेली। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और डेविड विली और शरफाइन रदरफोर्ड जल्दी जल्दी आउट हो गए। कोहली और रदरफोर्ड ने 5-5 रन बनाए जबकि विली का खाता ही नहीं खुला। लगा कि आरआर इस मैच को अपने नाम कर लेगी लेकिन यहीं से शहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक ने मोर्चा संभाल लिया। इन दोनों ने मिलकर आरआर के बॉलर्स की जमकर खबर ली। शहबाज और कार्तिक के बीच 67 रन की पार्टनरशिप हुई। यह रन सिर्फ 32 गेंदों पर आए और यहीं से पूरा माहौल आरसीबी की ओर आ गया। शहबाज 26 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए जबकि कार्तिक 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस जीत के बाद आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा, यह जादुई था। ऐसे मैच जीतने के लिए आपको कुछ अच्छे कैरेक्टर्स की जरूरत होती है और डीके इस मामले में दिग्गज हैं। अंत के पलों में वैसे शांत रहने की कला बाकियों को भी हिस्सा लेने देती है। मैं सोचता हूं कि हमने 19वें ओवर तक सच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की लेकिन फिर जॉस ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और बॉलर्स प्रेशर में आ गए। उन्होंने ठीक ठाक स्कोर बना लिया। हम वैसी शुरुआत नहीं कर पाए जैसी चाहते थे। यूजी ने आकर अच्छी बॉलिंग की लेकिन हमारे पास जैसा विश्वास है लड़के आकर कहीं से भी गेम जिता सकते हैं। शहबाज भले दुबले पतले हैं लेकिन वो लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं और उनका गेम प्लान भी क्लियर है। मुझे यकीन है कि वो गेंद से भी कमाल करेंगे। इस मैच में मिली हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किस पल में आरआर ने मैच गंवा दिया। हालांकि वो अपनी टीम से बहुत खुश दिखे। उन्होंने कहा, मैं वो पल नहीं बता सकता कि हमने कब मैच गंवा दिया। टॉस हारने के बाद इस टोटल तक जाने में टीम ने अच्छा एफर्ट डाला। मैं सोचता हूँ यह सम्मानजनक टोटल था लेकिन अगर रोज देखें तो मुझे लगता है कि मेरी टीम ने बॉलिंग में अच्छा प्रयास किया। एक बॉलिंग यूनिट के रूप में आप अपना वक्त लेकर फील्ड सेट करना चाहते हो। इस मैच से काफ़ी पॉजिटिव्स हैं और हम कई सारी चीज़ें भी सीख रहे हैं। बता दें कि आरसीबी का अगला मैच 9 अप्रैल को मुंबई के खिलाफ है जबकि राजस्थान रॉयल्स को 10 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट से खेलना है। तो ये रहा आरसीबी वर्सेस आरआर मैच के बाद कप्तानों का रिएक्शन। अब बात गेमजी की। गेमजी बोले तो बेस्ट फैंटेसी ऐप और इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक पर क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, आईपीएल मैच के दौरान यहां पर अपनी टीम बनाइए और डेली 5 करोड़ तक का इनाम पाइए। आप यहां दूसरी इनिंग्स में भी टीम बना सकते हैं। लाइव मैच के दौरान आप हर 5 ओवर की अलग टीम भी बना सकते हैं और पहली बार डिपॉजिट करने पर आपको मिलता है 100% कैश बैक भी। कैश की बात आई तो याद आया आजकल मार्केट खूब उछल रहा है। आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फटाफट पहुंचिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए 5paisa ऐप। सिर्फ 5 मिनट में बनाएं अपना डीमैट अकाउंट और यहां आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट आइडिया, रिसर्च टूल, 0% ब्रोकरेज पर हर ट्रेड के लिए आपको देने होंगे सिर्फ 20 रुपये। और अगर आप लंदन टॉप यूजर हैं तो यूज़ करिए कूपन कोड IPL200 जिससे आपको मिलेंगे 2000 रुपयों का कैश बैक। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, आप ललन टॉप देख रहे थे। हमारी आईपीएल की कवरेज जारी है, जुड़े रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।